साल 2023 बस खत्म होने वाला है और 2024 का आगाज जल्द ही हो जाएगा। ऐसे में ईयर एंडर के तौर पर बहुत सारे आपने प्रोग्राम देखे होंगे जो एंटरटेनमेंट पर बने होंगे, पॉलिटिकल बने होंगे, आध्यात्मिक तौर पर बने होंगे, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो चलिए आज इस पर नज़र डालते हैं। 2023 को सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों के रूप में जाना जाएगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस साल आर्टिकल 370, जल्लीकट्टू, समलैंगिक विवाह, दिल्ली में सरकार बनाम उप राज्यपाल, नोटबंदी, मैला ढोनी की प्रथा के साथ साथ दीर्घकालिक मुद्दों पर फैसला सुनाया था। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक 52,191 केसों का निस्तारण करके एक रिकॉर्ड भी बनाया है। शायद आपको ये नहीं पता होगा, तो जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले साल ये आंकड़ा 40,000 का था। 2023 के पहले वर्किंग डे पर सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 2016 की नोटबंदी योजना की वैधता को बरकरार रखा था। साल का अंत अदालत के एक और ऐतिहासिक फैसले के साथ हुआ जिसने नरेंद्र मोदी सरकार के 2019 के आर्टिकल 370 के फैसले को बरकरार रखा। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में चलिए आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं। तो साल की शुरुआती महीने 2023 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साल 2016 में केंद्र सरकार का जो निर्णय था वो गैरकानूनी नहीं था। इस फैसले को 5 जजों की बेंच ने 4-1 से ये फैसला सुनाया था। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना और बी रामा सुब्रमण्यम ने सरकार के कदम को बरकरार रखा था। जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कंबाला जैसे परंपरा को बरकरार रखा। कोर्ट ने बैलवश में करने वाले खेलों, बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति देने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो संशोधन किए गए थे उन्हें बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि इस पर कानून बनाने का काम संसद का काम है और विवाह का अधिकार मौलिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में विवाह समानता पर अपना फैसला सुनाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है। मैला ढोनी की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस साल अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मैला ढोनी के दौरान होने वाली मौतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और इसे निंदनीय करार दिया था। देश में सिविल में होने वाली मौतों की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर को कहा कि सरकारी अधिकारियों को सिविल की सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। पीठ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोनी की प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाए। दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल केस पर सुप्रीम कोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी को कौन नियंत्रित करता है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के हक में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने माना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन में विधायिका का नौकरशाहों पर नियंत्रण है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा फैसला। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही माना। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त करने वाले केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र को राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिया था। तो ये वो महत्वपूर्ण फैसले थे जो इस साल लिए गए हैं। उम्मीद है कि जानकारी आपको बेहतर लगेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं।